वॉर्स, जंगें। क्यों होती हैं ये जंगें, क्या होती हैं ये जंगें, देखते हैं कि क्या वजह है, क्यों होती हैं ये जंगें, क्यों खून खराबा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। स्टार्ट करने लगे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर वाला पोर्शन, जिसके अंदर वॉर्स हैं, वॉर के कॉजेज हैं, वॉर की टाइप्स हैं, सिविल वॉर, टोटल वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये सब कुछ। इसके अलावा एक और पोर्शन इसका है स्ट्रेटेजिक कल्चर के बारे में, और एक और पोर्शन है जो कि डेटरेंस के बारे में है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ खून खराबी की बात करेंगे, यानी कि वॉर्स की बात करेंगे। खैर, ज्यादा खून खराबे वाली बात जो है वो तो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के जब लेक्चर्स हो रहे होंगे तो उसमें होगी, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि इस खून खराबे की, इन जगहों की वजह क्या होती है, यानी कि कॉजेस क्या है और वॉर की टाइप्स कौन कौन सी है। स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहला टॉपिक है वॉर्स का। वॉर्स देख लेते हैं, वॉर्स क्या होती हैं, वॉर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वॉर्स के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है। कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है, एन एक्ट ऑफ यूज ऑफ फोर्स और मिलिटरिस्टिक एग्रेशन ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट अनदर, किसी एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ मिलिट्री यूज करना। देखें, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में क्या बात यूज हुई हुई है। कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा मिलिटरिस्टिक अग्रेशन, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा स्टेट की बात। आपको याद होगा बिल्कुल पहले दूसरे लेक्चर में जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक नैरो स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशंस का, एक ब्रॉड स्कोप है। जो नैरो स्कोप हमने देखा था, जिसको हम लोगों ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का नाम भी दिया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात हो रही थी, उसमें मिलिट्री की बात हो रही थी, कन्वेंशनली मिलिट्री की बात होती थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो गए थे इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के अंदर। तो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट जब वॉर की बात भी कर रहा है तो सिर्फ मिलिट्री एग्रेशन की ही बात कर रहा है, सिर्फ स्टेट की ही बात कर रहा है, यानी कि किसी एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ मिलिट्री यूज करना, एक्ट ऑफ एग्रेशन शो करना विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, इसको वॉर कहते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वॉर इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन ऑफ वन एंटिटी अगेंस्ट अनदर एंटिटी, एंड इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, इट इज नॉट सेइंग वेदर इट इज अ मिलिट्री एग्रेशन और नॉट। लेकिन ये मिलिट्री एग्रेशन है या नहीं ये देख लेते हैं। अब देखें, जैसे हम लोगों ने आईआर के स्कोप को ब्रॉडन कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो वॉर्स का भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो गया है। कैसे, देखें, अब वॉर का ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी भी एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के खिलाफ एक्ट ऑफ एग्रेशन। अब ये एंटिटी कोई नॉन स्टेट एक्टर भी तो हो सकता है ना, सिर्फ स्टेट्स की ही बात नहीं हुई भी, नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या क्या हो सकता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखें यहां पर क्या हुआ, एक्टर्स भी चेंज हो गए, डाइवर्सिफाई हो गए, और टाइप ऑफ एग्रेशन भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये एग्रेशन इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है, प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ, ये आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है, किसी दूसरे की आइडियोलॉजी के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, और ये पॉलिटिकल या सोशल भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, इनमें से भी कुछ हो सकता है। किसी भी तरह की एग्रेशन हो सकती है किसी दूसरी एंटिटी के खिलाफ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट के खिलाफ हो। तो ये कॉन्सेप्ट है वॉर का, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्या वॉर रैशनल है, क्या वॉर जस्ट है, और क्या वॉर लीगल है या नहीं है। अगर हम लोग बात करें कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट की, अगर हम लोग बात करें रियलिस्ट्स की, तो माकियावेली ये कहता है कि वॉर रैशनल भी है, वॉर जस्ट भी है, और वॉर लीगल भी है। माकियावेली ये कहता है कि व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। डिप्लोमेसी जब फेल हो जाती है, जो कि रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स में आपस में कॉपरेशन तो हो ही नहीं सकती, तो जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो माकियावेली का ये कहना है कि फिर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू यूज ऑफ मिलिट्री होती है, थ्रू एग्रेशन होती है, थ्रू यूज ऑफ फोर्स होती है। जहां तक हम लोग बात करें अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, लिबरल्स की, तो लिबरल्स या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि वॉर इरेशनल है, वॉर अनजस्ट है, और वॉर इलीगल है। ये कहते हैं कि वॉर इरेशनल है, अनजस्ट है, और इलीगल है। वॉर ये शो कर रही है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कोलैप्स हो चुका है, जो डिप्लोमेसी का सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, और ये कहते हैं कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज अ रूल ऑफ माइट।
जस्टिफिकेशन, रैशनैलिटी एंड लीगैलिटी ऑल आर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ. व्हेन द रूल ऑफ लॉ कोलैप्सेस, ऑल थ्री कोलैप्स, नाउ द रूल ऑफ माइट विल प्रिवेल. चलें देखते हैं वॉर के कॉजेस क्या हैं. वॉर की कॉजेज डिफरेंट हैं, इंडिविजुअल लेवल की कॉजेज भी हम देखते हैं, स्टेट लेवल की भी और ग्लोबल लेवल की भी. बहुत सारी कॉजेज हैं वॉर की. तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल लेवल कॉजेज में क्या क्या आ जाता है. इंडिविजुअल लेवल कॉजेज में अगर हम देखें तो एग्रेसिव लीडर, ये कहते हैं कि जब लीडर एग्रेसिव होते हैं तो वो खुद ही वॉर को इनिशिएट कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग एग्रेसिव लीडर की, तो हिटलर वॉज एन एग्रेसिव लीडर. करंटली अगर देखें तो मोदी इज एन एग्रेसिव लीडर. तो जो लोग रीजन बताते हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो वॉर के इंडिविजुअल रीजंस में एग्रेसिव लीडर की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि लीडर्स का दिमाग खराब होता है. यानी कि अगर लीडर एग्रेसिव होगा तो वो खुद ही इस तरह की एक्टिविटीज करेगा कि जो ओपोनेंट्स हैं, जिनके खिलाफ वो स्टेट है, जो आइडियोलॉजी ओपोजिंग है. मोदी की एग्जाम्पल लें तो मुसलमानों के खिलाफ, हिटलर की अगर एग्जाम्पल लें तो ज्यूज के खिलाफ. तो वो लीडर्स होते हैं जो कि इनिशिएट करवा रहे होते हैं वॉर्स को. इंडिविजुअल लेवल का दूसरा कॉज ये कहता है कि एग्रेसिव मैसेज, यानी कि एग्रेसिव लीडर वाले कहते हैं लीडर खराब होता है, एग्रेसिव मैसेज वाले कहते हैं अवाम खराब होती है. मतलब एग्रेसिव मैसेज वो लोग इंडिविजुअली उनके वो खराब होते हैं. खराब किस तरह से होते हैं कि इंडिविजुअली उनमें एक इननेट सी उनमें टेंडेंसी होती है कि वो जाते ही वॉर की तरफ है. अगर हम लोग एग्जांपल लें चंगेज खान की, अगर हम लोग एग्जांपल लें मंगोल्स की, तो मंगोल्स थे ही एग्रेसिव. कुछ सोसाइटीज इस तरह से होती हैं कि वो वॉर को, वॉर्स में जाना, वॉर्स में इन्वॉल्व होना उसको प्राइड समझती हैं. उनके जितने भी मर्द होते हैं वो ये समझती हैं कि ये तो बने ही वॉर्स के लिए हैं, ये अगर वॉर्स में जा रहे हैं तो ये बाई से फखर है. तो मैसेज, एग्रेसिव मैसेज का होना ये कॉज बताया जाता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वॉर का. जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कॉग्निटिव बायसेस को वॉर का कॉज बताते हैं, वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ मेंटली ये समझ रहे होते हैं इंडिविजुअल्स, उनके कॉग्निशन, उनकी थॉट्स ये बनी हुई होती हैं कि कोई दूसरा अगर हमारे खिलाफ है, कोई दूसरा अगर हमारा राइवल है, तो वो हमेशा से ही हमारा राइवल होगा. वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली ही उसको परसीव कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी ही अगर एग्जांपल लें, तो हम इंडिया की एग्जांपल लें, हम मोदी की एग्जांपल लें, तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि मोदी जो भी प्रैक्टिसेस करता है वो एंटी मुस्लिम्स ही होती हैं. तो कॉग्निटिव बायसेस हमारे ऑलरेडी, हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ होता है. ईरान की एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो ईरान के जितने भी लोग हैं उनके कॉग्निटिव बायसेस कुछ इसी तरह से हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर हमारे खिलाफ, या फिर सऊदी अरेबिया अगर कभी भी कोई स्टेप उठाएगा तो हमारे खिलाफ ही उठाएगा. तो इस तरह की चीजें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल्स को कंपेल करती हैं कि वो वॉर की तरफ जाएं. सोसाइटी या स्टेट लेवल के कॉजेस को अगर हम लोग देखें, तो इसमें सबसे पहले देखें हम लोग डेमोक्रेटिक पीस थी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी की थी. कैंट का परपेचुअल पीस मॉडल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो डेमोक्रेटिक पीस थी जो कि इमैनुअल कैंट ने दी थी, और सोसाइटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस का कॉन्सेप्ट. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, एक साथ इनको देख लेते हैं. ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था. डेमोक्रेटिक पीस थी ये कहती है, ये प्रो डेमोक्रेसी है. ये कहती है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती स्टेट के अंदर, डिक्टेटरशिप होती है, तो स्टेट्स वॉर की तरफ जाती हैं. ये कहते हैं डेमोक्रेसी इंश्योर करवा दो तो स्टेट्स वॉर की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि जहां पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं यूजुअली वो स्टेट्स वॉर की तरफ नहीं जा रही होती. रीजन बीइंग के वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स आंसरेबल होती हैं टू देयर पीपल. तो वो हमेशा से वॉर में जाने से पहले यही सोचेंगे कि अगर हम वॉर में चले भी गए तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा लोगों को. इसलिए डेमोक्रेटिक स्टेट्स पीसफुल होती हैं. ये कहते हैं जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां पे वॉर्स होती हैं. तो ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप खराब है. जहां तक सोसाइटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस कॉन्सेप्ट की बात है, तो ये कहते हैं नहीं, डिक्टेटरशिप खराब नहीं है, डेमोक्रेसी खराब है. डेमोक्रेसी खराब कैसे है? ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के थ्रू, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, पावर को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा होता है, उस पावर का हर एक के हाथ में आ जाना उस पावर को यूज करवाता है. तो ऑन द होल अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी के अंदर जहां जहां पर डेमोक्रेसी है वहां वहां पावर की डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां वहां पावर को गलत यूज किया जा सकता है. तो इसलिए स्टेट्स वॉर की तरफ जाती हैं, वो स्टेट्स जिनमें डेमोक्रेसी होती है. तो ये एंटी डेमोक्रेसी बात करते हैं. तो यहां तक अगर हमने बात की, तो हम देखें ये क्या कहते हैं. ये कहते हैं लीडर खराब, ये कहते हैं लोग खराब, अवाम खराब, ये कहते हैं दिमाग खराब, ये कहते हैं डिक्टेटरशिप खराब, ये कहते हैं डेमोक्रेसी खराब,
ये क्या कहते हैं? लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कैपिटलिज्म खराब, और लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी वाले ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म का ना होना खराब, और रेडिकल थियरिस्ट ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म खराब है। ये देख लेते हैं क्या मतलब है इस बात का। लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी वाले, लिबरल कैपिटलिस्ट थियरिस्ट ये कहते हैं कि, ये प्रो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, ये प्रो कैपिटलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि जब जब भी जहां जहां पे भी कैपिटलिज्म नहीं है उस वजह से वॉर हो रही है। ये कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म हो तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ होगा हर एक स्टेट के अंदर, कैपिटलिस्ट एक प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैपिटलिस्ट जब एक प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे तो कैपिटलिस्ट अपनी स्टेट्स को वॉर की तरफ जाने नहीं देंगे। जहां तक रेडिकल थियरिस्ट की बात है तो रेडिकल थियरिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म खराब है, ये एंटी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जितनी भी पास्ट में वॉर सेलिंग स्टेट्स थी, जाहिर है प्राइवेटाइज्ड बिजनेसेस थे और वॉर ये सेल कर रही थी वेपन्स, वॉर सेलिंग स्टेट्स नहीं सॉरी वेपन सेलिंग स्टेट्स, जितनी भी वेपन्स सेलिंग स्टेट्स हैं टॉप की, वो सबसे ज्यादा वॉर इनिशिएट करवा रही होती हैं। और अगर हम लोग इकोनॉमीज की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में वो इकोनॉमीज आती हैं जो कि वॉर के वेपन सेल कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, और कहते हैं कि उनकी कैपिटलिस्ट क्लास बेसिकली वेपन सेल करना चाह रही होती है, तो कैपिटलिज्म तो प्रमोट कर रहा है वॉर को, क्योंकि उनके तो बिजनेसेस चल रहे हैं ना जब वेपन्स सेल हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कैपिटलिज्म का, ये कहते हैं कैपिटलिज्म का ना होना खराब, ये कहते हैं कैपिटलिज्म का होना खराब। इसके अलावा बाकी ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ये भी सोसाइटी या स्टेट लेवल के ही हैं। डाइवर्जनरी वॉर की अगर हम बात करें तो डाइवर्जनरी वॉर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी स्टेट्स के अंदर, एक स्टेट के अंदर कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से मैसेज एग्रेसिव हो जाते हैं स्टेट के अंदर, तो उन मैसेज को डाइवर्ट करने के लिए वॉर करवाई जाती है, खुद वॉर इनिशिएट करवाई जाती है। जिस तरह से पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उससे पहले राफेल डील के ऊपर, मोदी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ था, इतने में पुलवामा अटैक हो गया। तो डाइवर्जनरी वॉर थियरिस्ट उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मोदी ने डाइवर्जनरी वॉर करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पुलवामा का अटैक खुद करवाया, ताकि लोग वो करप्शन वाली बात से हट के इस चीज को डिस्कस करना शुरू कर दे। जहां तक दूसरी बात है इंटरनल स्टेट डायनामिक्स की, तो इंटरनल स्टेट डायनामिक्स वाले ये कहते हैं कि जब स्टेट के अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह से हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से बिल्ड की गई हो कि उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग वॉर में चले जाते हैं। अब ये वॉर सिविल वॉर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, विद इन अ स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट ओवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट, अगर हम लोग देखें तो ये कहते हैं कि जब किसी भी स्टेट का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उनमें डिविजन्स हुई भी हो, ग्रुप्स बने हुए हो, कुछ किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, कुछ किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, फेवर कर रहे हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस तरह से स्टेट्स फिर सिविल वॉर की तरफ चली जाती हैं। ये एग्जांपल देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था, नॉर्थ और साउथ का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो इसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल है। अगर हम लोग चले जाएं ग्लोबल लेवल के ऊपर, किस तरह से वॉर्स कॉज होती हैं, क्या क्या वॉर के कॉजेस हैं, तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिज्म देखते हैं। आइडेंटिज्म मतलब हिस्टोरिकल क्लेम ओवर द टेरिटरी ऑफ सम अदर स्टेट, जिसकी बहुत एक टिपिकल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं अफगानिस्तान का क्लेम हमारे पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर जो है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हिटलर ने एंचुलियस की पॉलिसी स्टार्ट की थी। एंचुलियस की पॉलिसी ये थी कि जितनी भी टेरिटरीज हमसे हम हार गए हैं वर्ल्ड वॉर वन में, वो वापस हमने एक्वायर करनी है। तो हिटलर का क्लेम था उन सारी की सारी टेरिटरी के ऊपर जो वो वापस एक्वायर करना चाह रहा था अपनी स्टेट के साथ, जर्मनी के साथ। तो ये भी आइडेंटिज्म की बेस के ऊपर ही दोबारा से वॉर फिर स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब कभी भी किसी नेशन के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मर्ज हो जाता है तो फिर वो वॉर की तरफ चली जाती है। डिफरेंट वॉर जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस के ऊपर, हम स्कॉटिश रेफरेंडम की बात करें, हम कश्मीर इशू की बात करें, हम पैलेस्टाइन इशू की बात करें, तो ये सब के सब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस के ऊपर वॉर्स में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे। हिस्टोरिकल साइकिल्स ऑफ वॉर एंड पीस का कॉन्सेप्ट टोनीबी ने दिया था। टोनीबी ने यह कहा कि दुनिया के अंदर होता ही इस तरह से है कि एक साइकिल ऑफ वॉर एंड पीस चल रहा होता है। जब वॉर होती है तो इट मींस के पीस इज इन मेकिंग, और जब पीस होता है तो इट मींस के वॉर इज इन मेकिंग।
टोनी में ने ये कहा कि जब स्पार्टास थे तो वॉर थी, उसके बाद पीस का एक फेज आया, उसके बाद ग्रीक्स आ गए, वॉर्स होने लगे, फिर से पीस का एक फेज आया, उसके बाद रोमन्स आ गए, वॉर्स होगी, उसके बाद पीस का एक फेज आया। वर्ल्ड वॉर वन से पहले अगर हम देखें तो पीस था, वर्ल्ड वॉर वन हो गई, फिर पीस का एक साइकिल चला, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हो गई, उसके बाद से पीस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वॉर इज इन मेकिंग। तो टोनी भी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर चल ही वॉर और पीस के साइकिल्स रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो थुसीडाइड ट्रैप है और पावर ट्रांजिशन थ्योरी है। ये मैं अभी समझा देती हूँ कि ये क्या है। थुसीडाइड ट्रैप ये कॉन्सेप्ट थुसीडाइड ने ही दिया था, और थुसीडाइड का ये कहना है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन नंबर वन होती है। यानी जितना भी जो कोई स्टेट टॉप पे होती है ना वर्ल्ड के अंदर, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पोजीशन होती है। क्यों? ये टॉप पे होता है, सुपर पावर होता है, वर्ल्ड को लीड कर रहा होता है, वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा होता है। तो होता क्या है, ये हर एक स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वॉर्स में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने एनिमीज को इंक्रीज कर देता है। जहां तक थुसीडाइड्स ट्रैप, थुसीडाइड्स का ये कहना है कि वर्ल्ड के अंदर जो नंबर टू पोजीशन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नंबर वन के बारे में इसने क्या कहा, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल पोजिशन होती है। नंबर टू के बारे में इसने ये कहा कि ये स्टेबल पोजिशन होती है। नंबर टू पे जो नेशन होती है, जो भी स्टेट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को मैक्सिमाइज करके वर्ल्ड की जो टॉप की पावर होती है उसके इक्वल अपनी पावर को करने की कोशिश कर रही होती है। फिर क्या होता है, जब नंबर वन पावर ये देखती है कि नंबर सेकंड और नंबर फर्स्ट वाली में जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम रह गया है, तो फिर ये कंफ्यूजन में आके सेकेंड वन के ऊपर अटैक कर देती है और यूं वॉर में चली जाती है। यानी कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन होती है उसका, क्योंकि वो ये समझ रही होती है कि कोई भी मुझे पहुंच नहीं सकता। और जब नंबर सेकेंड पे जो पावरफुल नेशन होती है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती जा रही होती है, तो टॉप पे जो पावरफुल नेशन होती है वो ये कहती है कि नहीं, ये मेरी पावर को नहीं पहुंच सकती। लेकिन फाइनली जब वो उस सेकेंड नंबर पावर को अपने करीब देखती है, सेकेंड नंबर की स्टेट को पावर में अपने करीब देखती है, तो फिर वो साइकोलॉजिकली ट्रैप में आके सेकंड नंबर पावर के ऊपर अटैक कर देती है। जहां तक दूसरा कॉन्सेप्ट है पावर ट्रांजिशन थ्योरी का, ये दिया था ऑर्गेंस्की ने, और ऑर्गेंस्की ने ये कहा कि इससे थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी ऑपोजिट बात की थी। ऑर्गेंस्की ने ये बात बोली कि फर्स्ट पे जो पावरफुल स्टेट होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, जहां तक सेकंड वन की बात है तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। क्यों? वो ये सोचता है कि मैं बाकी सब स्टेट्स को पावर में पीछे छोड़ के आ चुका हूं, तो मैं फर्स्ट वन को भी तो पावर में पीछे छोड़ सकता हूं। तो ये एग्रेसिवली अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, और एग्रेसिवली अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में ये भी सोचता है कि कहीं ये ना हो कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट है वो मेरे ऊपर अटैक कर ले। तो उस एग्रेशन में और उस डर में कि कहीं ज्यादा पावरफुल स्टेट मेरे ऊपर अटैक ना कर ले, ये सेकंड नंबर जो पावरफुल स्टेट होती है ये फर्स्ट टॉप की पावरफुल स्टेट के ऊपर अटैक कर लेती है, और यूं वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी वॉर की कॉजेस को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से थुसीडाइड्स ट्रैप के अकॉर्डिंग वॉर की तरफ चली जाती है टॉप की पावरफुल स्टेट, और किस तरह से सेकेंड मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑर्गेंस्की के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वॉर में चली जाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाती हैं स्टेट्स और वॉर में चली जाती हैं। आई थिंक लेक्चर ज्यादा लॉन्ग हो रहा है और बोरिंग हो रहा है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ वॉर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप वॉर का कॉन्सेप्ट और वॉर क्यों होती है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट हो सके। That was all for today. Thank you. Allah Hafiz.